नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गुरुकुल धाम पर। और मैं हूं आपके साथ सामान्य विज्ञान में रघुवीर जांगड़। और हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के पार्ट के अंतर्गत हम बात करते हैं कि इनको हम थोड़े थोड़े टुकड़ों के रूप में हम देख रहे हैं कि इनको पढ़ रहे हैं आसानी से और क्रमबद्ध और लगातार। इसी के साथ हम आज वापस बात करते हैं कि हमने पिछले पार्ट में या हमने पीछे पढ़ा था क्या कि आवर्त सारणी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे परमाणु, जिनकी हमें मिलते हैं कि हम बोलते हैं उनको तत्व है। क्यों? क्योंकि तत्व अवस्था में या अणु अवस्था में ही उनकी क्या होती है, हम कहते हैं कि उनकी परमाणु त्रिज्या को हम ज्ञात करके, हम उनको अणु की त्रिज्या का ज्ञात करके हम उनसे परमाणु त्रिज्या की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। इसी संदर्भ में हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यदि बात करते हैं कि वैन डर वाल्स त्रिज्या होती है, वैन डर वाल्स त्रिज्या उनके मध्य होगी जो क्या होगी, एक्रिय गैसें होगी, या हम कह सकते हैं कि जो परमाणु एकल अवस्था में मिलते हैं, कहने का मतलब जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, उनकी त्रिज्या का मान सर्वाधिक ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं मेटेलिक रेडियाई, या हम बात करते हैं धात्विक त्रिज्या, जो धातु होती है उनके परमाणुओं के मध्य में जो त्रिज्या होगी या धात्विक बॉन्ड होंगे उनके बीच, हम कह सकते हैं कि उन परमाणुओं की त्रिज्या क्या होगी, वैन डर वाल्स त्रिज्या से कम होगी। उसी के बाद हमने बात की थी कि परमाणुविक त्रिज्या की बात करते हैं कि यदि आयनिक बॉन्ड बनता है या संयोजक बंध बनता है या उपसंयोजक बंध बनता है, इसका मतलब हुआ कि आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। वजह क्या होगी, क्योंकि इन परमाणुओं के मध्य क्या होगा, धनायन या ऋणायन के रूप में रहेगा या संयोजक बंध के रूप में इनकी क्या होती है, आपस में अणु के रूप में इनकी परमाणु बंधे हुए होते हैं, अतः इनकी त्रिज्या का मान सबसे क्या होता है, कम होता है। इसी संदर्भ में हमने देखा था कि परमाणु की त्रिज्या यदि कोश का मान बढ़ता है, परमाणु का जो ऊर्जा स्तर, मतलब कि नाभिक के बाहर हम ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, यदि उनका मान यदि बढ़ता है तो हम कहेंगे कि परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब था या शील्डिंग इफेक्ट का मतलब था कि यदि आंतरिक कोश में यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरे जाते हैं, कहने का मतलब हो गया जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि आंतरिक कोश बाद में जैसे अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन या एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या जाते हैं, अंदर वाले कोश में भरते हैं, जिनके प्रतिकर्षण के फलस्वरूप बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाता है, तो नाभिक के आवेश बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आकर्षण बल का मान, तो क्या होता है, परमाणु का साइज क्या होता है, बड़ा होता है या बढ़ता है। इसी के साथ हम देख रहे थे कि जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिक के आवेश की बात करते हैं, तो यदि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान यदि ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि जो दूर संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे या जो दूर रह रहे इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करेंगे, ज़्यादा आकर्षित करते हैं, अतः हम कहते हैं कि यदि ज़्यादा आकर्षण बल होगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। इसी के साथ हमने कहा था बंध की संख्या या बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने, एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, क्यों, एक एकल बंध की अपेक्षा दो बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा ताकतवर होगा, तीन बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा ताकतवर होगा। इसी के से हम आइडिया लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। अब हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या में हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत परमाणु त्रिज्या की बात किस प्रकार क्या रहती है। तो जब हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या की हम बात कर रहे थे तो हमारे वर्ग 18 के अंतर्गत हमारी कौन सी आती है, इनको हम शून्य समूह भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, और वर्ग कौन सा हो गया, 18 वर्ग, और ये कौन सी मिलती है, एकल परमाणु, एकल परमाणु के रूप में हमें क्या मिलती है, गैसें मिलती है। अब ये गैसें मिलती है तो इनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, इसका मतलब कि इनमें कौन कौन सा बल काम करेगा, सिर्फ वो सिर्फ कौन सा काम करता है, वैन डर वाल्स बल, वैन डर वाल्स बल काम करता है। इसलिए हम कहेंगे कि आवर्त सारणी में यदि 18 वर्ग के परमाणु के आकार की बात करते हैं तो सबसे बड़े आकार में कौन से होंगे, ये परमाणु होंगे। मतलब यहाँ तक हमारी बात आराम से ध्यान में आ जाती है, क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं कि वैन डर वाल्स बल होता है वो बहुत ही कम लगता है, या उनके ऊपर दाब लगा करके हम उनके परमाणु के त्रिज्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका परमाणु आकार कितना बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 18वां वर्ग है उत्कृष्ट गैस वाला, जो एकल परमाणु गैस है उनका आकार सबसे बड़ा होता है।
इसी के साथ हम दूसरी बात करते हैं कि परमाणु आकार की बात करते हैं, तो अब देखते हैं कि कोश या इनकी बात करते हैं, इनका मतलब हो गया कि जब हम पहले कोश की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि नाभिक के पास पहले कोश के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो हमने कहा दो। इसका मतलब कि पहले कोश के अंतर्गत बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में बात करते हैं तो दो, पहले एक हुआ, प्रोटॉन की संख्या एक, न्यू इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। हीलियम की बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रोटॉन और दो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। पहला कोर्स कंप्लीट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या का मान जैसे जैसे साथ में बढ़ता है, लेकिन कोश का मान वही रहता है। कोश का मान मतलब जो नाभिक से दूरी है वह ऊर्जा स्तर कौन सा है, पहला है। इसका मतलब हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश जो किससे होता है, हम कहेंगे प्रोटॉन की से होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है, वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, कौन होगा, आइडिया लगा सकते हैं कि हीलियम। लेकिन हम बात करते हैं कि हीलियम के मध्य कोई क्या नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता, क्योंकि इसका द्विलक परमाणु होता है, ये मतलब दो इलेक्ट्रॉन वाला होता है, जो क्या होता है, उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आता है। तो इसका आयतन क्या होता है, हमने बात की थी कि सभी वर्गों में हीलियम या अक्रिय गैस होती है, वो सबसे क्या होते हैं, बड़े परमाणु होते हैं। लेकिन जब हम दूसरे आवर्त की बात करते हैं, दूसरे पीरियड की बात करते हैं, इसका मतलब कि जब आप लिथियम से स्टार्ट करते हो, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भार वाले कोश में भरा जाता है। जब आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या दिखता है कि यदि हम इसमें देखते हैं तो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम इसी कोश में भरा जाएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन तक आते आते यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सात इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कौन से कोश में, तीन और तीन छः और एक सात। इसका मतलब कि फ्लोरीन तक जब हम आते हैं तो इसकी कितनी हो गई, हम संख्या कहेंगे दो और नौ कितने हो गए, ग्यारह। दो और दूसरे कोश में कौन सा हो गया, यदि हम बात करें तो दो तो एस वाले हो गए, और ये कितने हो गए पी वाले, एक दो तीन चार और पाँच, पाँच और दो सात, और दो अंदर वाले कोश में भरे गए। इसका मतलब के कोश और ये के एल कोश की हम जब इसमें बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम कहेंगे कि फ्लोरीन परमाणु के अंतर्गत परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का कितना होता है, नौ होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नौ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, के कोश में। एल कोश में कितने भरे जाते हैं, तो हम कहेंगे सात, कितने भरे जाते हैं, सात। लेकिन प्रोटॉन की संख्या जब हम देखते हैं तो इसमें यदि प्रोटॉन की संख्या देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, नौ है। लेकिन कोश की बात करते हैं, कोश मतलब ऊर्जा स्तर की बात करते हैं, तो ये पास वाला कोश ही होता है, के बाद दूसरा कौन सा होता है, एल कोश ही होता है। अतः हम कहेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे नाभिक के अंतर्गत क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। लेकिन कोश की संख्या क्या रहती है, वही रहती है। मतलब कि नाभिक से कोश या ऊर्जा स्तर की दूरी वही रहती है, तो प्रभावी नाभिक के आवेश या जो खिंचाव होगा उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आवर्त दो की बात करते हैं, तीन की बात करते हैं या चार की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, चार आवर्त में आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन 3d में भरे जाते हैं। इसका मतलब कि यदि मैं आवर्त चार की बात करता हूँ, इसका मतलब पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और ये चौथे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4s में दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आंतरिक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके दो इफेक्ट काम करता है, कौन सा, एक शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा कौन सा काम करता है, हम बात करें तो साथ में प्रभावी नाभिक आवेश का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने का मान मतलब नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन की संख्या का मान बढ़ना होता है। इसी संदर्भ में यदि हम इस प्रकार देखें तो यहाँ पे लगभग कोश का मान वही रहता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसी आधार पर यदि हम आवर्त में बाएं से यदि दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, इसका मतलब हो गया कि हम बाएं से दाएं चलते हैं और दूसरा क्रम हो गया ऊपर से नीचे चलते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, अप से डाउन चलते हैं, तब हमारे कोश या हम कह सकते हैं ऊर्जा स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने का मतलब कि एक नया ऊर्जा स्तर या नया कोश क्या होता है, जुड़ता है। तो हम बात करें कि यदि परमाणु का आकार
हम ऊपर से नीचे चलते हैं या पीरियड में ऊपर से नीचे चलते हैं या आवर्त में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार लगातार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। रीजन क्या रहेगा कि इसके साथ कोशों की संख्या क्या होती है, बार बार जुड़ती जाती है। दूसरी बात करते हैं कि जब हम ग्रुप या वर्ग में दाएं से बाएं, मतलब बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, कौन सी साइड होगी ये, बाएं, बाएं से जब दाएं चलते हैं, इसका मतलब हो गया कि कोष तो वही रहता है। कोष तो क्या रहता है आपका, वही रहता है। कोष की बात करते हैं तो आपका कोष तो वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों का मान बढ़ता है, किंतु हम देखते हैं कि कोष का मान तो वही रहेगा, प्रोटॉन की संख्या का मान बढ़ेगा। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी का मान क्या होगा, वही रहता है, लेकिन बीच में नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन का मान बढ़ता है, या हम कह सकते हैं प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए ये कोष होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिकुड़ जाते हैं या आकर्षण बल से क्या जाते हैं, पास में आ जाते हैं। तो हम कहेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। क्या होता है कि जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिक के आवेश बल की वजह से क्या होता है कि ग्रुप वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है या कम, या हम कहते हैं छोटा होता है, आकार क्या होता है, कम होता है। तो इसी के अंतर्गत हम बात करें कि सबसे बड़ा परमाणु और सबसे छोटा परमाणु कौन सा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यदि इस आवर्त में आप देखते हो कि आपको क्या मिलता है, सीजियम मिलता है। सीजियम कौन सा होता है, जो 6 नंबर पर आता है, ये क्या है, धातु है, धातु है। लेकिन सीजियम का परमाणु इतना बड़ा होता है, साथ में क्या होता है, धनायन होता है, तो सबसे क्या हो गया, बड़ा होगा। और दूसरी बात करते हैं कि हम ये क्या होता है, धनायन बनाते हैं, क्योंकि धात्विक प्रकृति का मान भी ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। अतः सीजियम, और दूसरी बात करते हैं मरकरी, ये दो हमें क्या मिलती है, धातु है, जो क्या मिलती है, सामान्य ताप पर क्या मिलती है, द्रव्य अवस्था पर मिलती है। ये सामान्य जानकारी है जो मैं आपको लास्ट में एक बार और लिखवा दूंगा, लेकिन साथ साथ हमें इनको याद करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। एक कौन सा हो गया, मरकरी धातु होगी, दूसरा कौन सा हो गया, सीजियम, जो हमें सामान्य ताप पर क्या मिलती है, द्रव अवस्था में या लिक्विड अवस्था में मिलती है, धातु होते हुए भी। लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत परमाणु सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो हम कहेंगे कौन सा होता है, सीजियम होता है। इसके नीचे फ्रांसियम आ जाता है, लेकिन ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए फ्रांसियम को हम कहने का मतलब प्रकृति में नहीं मिलता, इसलिए इसको शामिल नहीं करते। इसका हम देखते हैं कि सीजियम का परमाणु क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यदि हम बात करें कि परमाणु के अंतर्गत बाएं से दाएं जाते हैं तो आप परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है या सिकुड़ता है। इसका मतलब कि जब फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन के अंतर्गत कितने कोष आते हैं, सिर्फ दो ही कोष आता है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरे कोष की हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि यदि हम पहले और दूसरे कोष की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत फ्लोरीन में बात करते हैं तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 9 फ्लोरीन। इसका मतलब हो गया 9, इसमें प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 9 है, किंतु दो अंदर भरे गए और 7 क्या हो गए इसके बाहर। लेकिन कोष की संख्या पहली के और दूसरी क्या आ गई, एल। कोष का मान कितना है, दूसरा कोष ही है, लेकिन प्रभावी आवेश का मान ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन का परमाणु होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होता है। यहाँ पे मैं फ्लोरीन के बाद नियोन क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन है वो क्या है, ए धातु है, इनकी क्या मिलती है, F2 अणु मिलता है। कौन सा मिलता है, F2 अणु, F2 के रूप में ये मिलती है। इसका मतलब कि हमने बात की थी कि वांडरवाल्स त्रिज्या होती है वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद यदि कोई धात्विक त्रिज्या होगी, धातु होगा, उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। सामान्य रूप से सबसे छोटी कौन सी होगी, जो संयोजक यौगिक है या आयनिक यौगिक है, उनकी हम तुलना करेंगे तो उनकी क्या होती है, सबसे कम त्रिज्या होती है। मतलब सबसे छोटा अणु की बात करें कौन सा होगा, F2 होगा। इसका मतलब कि फ्लोरीन होता है वो आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या रखता है। अतः हम बात करते हैं कि हमें सबसे छोटा परमाणु की बात करते हैं तो फ्लोरीन की,
और यदि बात करें कि किसकी आ जाएगी, हम बात करेंगे तो सीजियम की। लेकिन हम देखते हैं कि आना तो चाहिए था फ्लोरीन, यहाँ पे सबसे छोटा परमाणु कौन सा होना चाहिए था, फ्लोरीन। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा परमाणु की बात करते हैं तो क्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जब हम क्लोरीन 17 की बात करते हैं, क्लोरीन 17 की बात करते हैं तो तीसरा कोष आ जाता है, तीसरे कोष के अंतर्गत डी ऑर्बिटल क्या रहता है, खाली रहता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो यही बात यहाँ पे लागू होती है। इसलिए सबसे छोटा परमाणु किसका रहेगा, आपका फ्लोरीन का ही रहेगा। लेकिन क्लोरीन की बात हम करेंगे अलग मैनर के अंतर्गत, जिसमें हम बात होगी ऊर्जा के अंतर्गत, हम बात करेंगे कि आयनन ऊर्जा का मान, या हम आयन एंथैल्पी की बात करते हैं, वहाँ पे एक आंसर होता है क्लोरीन। एक जैसे सबसे छोटा और बड़े की बात हो गई। अब जब हम देखते हैं कि इनको हम अब थोड़ा लिख लेते हैं या नोटिस कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हम इनको ऐड करते हैं, तो पहली बात ये होगी कि कौन सी, कि उत्कृष्ट गैसों में वांडरवाल्स त्रिज्या मापी जाती है। अतः आकार में आवर्त में सबसे बड़े होते हैं, आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपको आवर्त में कोई भी तत्व दिया हुआ है और उसी आवर्त का क्या दे दिया, शून्य समूह या एक्रिय गैस दे दिया, मतलब सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, जो हमें वांडरवाल्स त्रिज्या वाले मान दे दिया उत्कृष्ट गैसों का, उसी परमाणु की क्या होगी, सबसे बड़ी त्रिज्या होगी। दूसरी बात हम करते हैं कि ये कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को जानने के लिए हम याद रखते हैं, सबसे छोटी फ्लोरीन की होगी, सबसे बड़ी सीजियम की होगी, हमें आवर्त का मान दे दिया, इसका मतलब है उन तत्वों में से हमें पूछ लिया, इसका मतलब हो गया कि सबसे छोटा उस आवर्त में तो क्या है, फ्लोरीन है। लेकिन यदि फ्लोरीन के बाद नियोन दे दिया तो सबसे बड़ा कौन होगा, उस आवर्त के अंतर्गत नियोन होगा। दूसरी हम बात करते हैं कि आवर्त में सबसे बड़ा क्षार धातु कौन सा हो गया, GRUP ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट क्षार धातु, तथा सबसे छोटा हेलोजन जिनसे हम X से दर्शाते हैं, कहने का मतलब ग्रुप कौन सा हो गया, तो हम कहेंगे 17। सबसे छोटा आवर्त में सबसे बड़ा क्षार धातु ग्रुप फर्स्ट होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, हेलोजन होगा। अब हम तीसरी बात करते हैं इसी के अंतर्गत कि यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो हम कहेंगे चूंकि n का मान क्या होता है बढ़ता है। इसका रीजन हो गया कि जब भी हम आवर्त वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवर्त या n का मान क्या होता है, लगातार बढ़ता है, तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसी के साथ हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि यदि ये तो होगी हमारी आवर्त सारणी के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटे के अंतर्गत हेलोजन ग्रुप 17 के अंतर्गत मैंने बात की थी, कौन सा हो गया, फ्लोरीन
और यदि बात करता हूँ सबसे बड़ा क्षार धातु के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, तो हम कहेंगे सीजियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीजियम। तो ये आपको दो बातें याद रह जाएगी यदि हम बात करते हैं प्रत्येक परमाणु के बारे में। तो सबसे बड़ा परमाणु सीजियम का, सबसे छोटा कौन सा हो गया, फ्लोरीन का परमाणु। अब हम बात करते हैं आगे कि यदि परमाणु बंध की बात करते हैं कि यदि हम देखते हैं कि हमने देखा था कि बंध की संख्या के आधार पर परमाणु की हम बात कर रहे थे कि उनके परमाणु के मध्य के बीच की दूरी, या हम कह रहे थे कि सबसे आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि यदि एक बंध है जैसे CH3, कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से बंधा हुआ है, कौन सा हो गया, एथेन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, एथेन। एथेन का मतलब हो गया कि इसकी संरचना बनाते हैं तो कार्बन के साथ कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़ा है, तीन इसके साथ क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिनको हम पढ़ेंगे किसके साथ, रासायनिक क्रिया और बंध के आधार पर हम देखेंगे। यहाँ पे इनके मध्य क्या है, एकल बंध है। क्या है, एकल बंध, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड है। दूसरी हम बात करते हैं कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य दो बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो दो बॉन्ड यहाँ पे हो गए, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, इसकी वैलेंसी कार्बन होता है वो चार वैलेंसी बनाता है, तो चार मैंने बना दी। जब हम इसकी बात करते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य तीन बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब इसका मतलब होगा कि जब यदि हम देखते हैं कि इनके बॉन्ड के मध्य की दूरी का मान, हमने बात की थी कि सबसे कम सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनकी त्रिज्या या उन परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। इसी उदाहरण के आधार पर यदि हम देखते हैं कि यदि कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड है, एथेन है, तो इसको तो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को एन, और इसे बोलते हैं इन, और इसको बोलते हैं आइन। आइन का मतलब होता है तीन बॉन्ड वाले। तो एकल बॉन्ड होगा वहाँ पे इसका मान दिया होता है 154 पिकोमीटर। क्या दिया है, 154 पिकोमीटर। यहाँ पे इसका मान मिलता है 133 पिकोमीटर, और जब यदि बात करते हैं इसका मिलता हमें 120 पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10^-15। 10^ पिको का मतलब वो फॉर्मी हो गया। पिको का मतलब होता है 10^-12, पिको और फॉर्मी। तो 10^-12 के अंतर्गत, मीटर के अंतर्गत ये बता रहा है कि इसका मान 154 है, इसका 133 है, इसका 120 है। जब हम इनके मध्य बॉन्ड एकल बंद है, द्वि बंद है या त्रि बंद है, इसका मतलब है कि जब जब बॉन्ड के मध्य एकल बॉन्ड है तो इसका बीच के परमाणु के बीच की दूरी क्या मिली, ज़्यादा। मतलब कि कार्बन का परमाणु है उसकी त्रिज्या का मान हमें क्या मिला, 154 से आधा, ठीक है। जब इनके मध्य क्या हो गया, दो बॉन्ड बन गए, तो हम कह सकते हैं कि दो कार्बन परमाणु के मध्य यदि डी बंद है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब वहाँ पे हमें इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी मिली, 133। जब हम कार्बन की दूरी निकालते हैं तो 133 में हम दो का भाग देंगे तो एक कार्बन परमाणु का मान हमें क्या मिला, त्रिज्या का मान क्या मिला, अलग मिला। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि कार्बन कार्बन तीन बॉन्ड है या त्रिबंध है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब हो गया जब हम इसका क्या निकालते हैं, दोनों अणुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो हमें मिलती है 120। इसका मतलब जब हम एक कार्बन परमाणु की त्रिज्या की बात करेंगे तो 120 में हम भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60। इसका मतलब कि जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 मिला, यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 130 का आधा कितना हो गया, तो हम कहेंगे 115 कितना हो गया, 65 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 125, और ये कितना हो गया, 75 के आसपास हो गया। तो हमें ये अलग अलग मान मिलते हैं, क्योंकि बंध की संख्या यदि ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि परमाणु में त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। मैंने इसी आधार पर आपको ये एग्जांपल लिखवाया है। अब यदि हम देखें कि कोई परमाणु यदि धनायन बनता है और ऋणायन बनता है तो उसका क्या चक्कर रहता है। यदि हम देखें कि आपके पास एक सिंपल सा हमारे पास यौगिक रहता है सोडियम का, यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरीन की, 17 नंबर क्लोरीन होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कहेंगे कितनी होती है, 11 होती है। इसी में क्लोरीन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे
प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी तो हम कहते हैं 17, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कहते हैं कितनी हो गई, 17। अब आप बात करते हैं कि कोई भी परमाणु यदि क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका मतलब वो क्या बनेगा, धनायन। तो धनायन को हम लिखते क्या है, सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस का मतलब हो गया कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी रही, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब एक का इसने त्याग कर दिया या दे दिया, धातु है इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन क्या है, हेलोजन है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन आता है, इसका मतलब ये हेलोजन है। इसके अंतर्गत यदि क्लोरीन माइनस बनता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है या अपने पास आकर्षित करता है या अपने संयोजी को उसमें क्या करता है, मिलाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हम देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 18 हो गई। अब इस संदर्भ के अंतर्गत हम देखना चाहें कि कोई भी हम परमाणु की बात कर रहे थे जहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर मान हो रहे थे, तब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोस का इफेक्ट पड़ता है, या हम बात करेंगे कि एन की वैल्यू का मान घटेगा या बढ़ेगा, जेड प्रभावी का मान घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन जब हम देख कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रभावी नाभिक के आवेश होता है वो उसका इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार पड़ेगा, यदि हम बात करें कि सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है 11 होता है, लेकिन मैं सोडियम की परमाणु संरचना बनाना चाहूँ, इसका मतलब हो गया ये बीच में नाभिक, वो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो आपको पता है 2, 8 और 1, इसका मतलब तीसरा कोष था उसके अंतर्गत 1 इलेक्ट्रॉन था पहले, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हम कहेंगे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब हुआ कि जो संयोजी कोष था, वैलेंस सेल था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, लिए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं, संयोजी कोष या वैलेंस सेल हमने कहा था। अंदर वाले कोष की बात करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जो परमाणु के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो बंध बनाने में सहायता नहीं करते, जिन इलेक्ट्रॉनों का बंध बनाने में कोई योगदान नहीं होता, हम कहते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने बातें कही थी या हमने चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो हम कहेंगे ये जब निकल गया, इसका मतलब कि तीसरा कोष रहा ही नहीं, ये निकलते ही कौन सा हो गया, सबके सब परमाणु के पास आ गए। लेकिन यहाँ पे एक आकर्षण बल की बात हम करते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो हम बात करते हैं 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो कितने हमारे पास, 10। 11 से 10 हो गए, कहने का मतलब एक प्रोटॉन का मान ज़्यादा बढ़ गया, आकर्षण बल का मान ज़्यादा बढ़ेगा, आकर्षण बल का मान ज़्यादा बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि अभ्रक या जो बाहर वाला संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके परमाणु का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया, उसकी पकड़ क्या होगी, अलग रह गई, तो हम कह सकते हैं कि ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर नियंत्रण करें तो उनको क्या करेगा, अपने पास और ज़्यादा खींच लेगा। ज़्यादा खींचने की वजह से क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जब धनायन बना, इसका मतलब कि सोडियम का परमाणु से जब ये सोडियम प्लस बना, धनायन बना, तो इसका आकार क्या होता है, हम कहते हैं छोटा होता है, आकार क्या हो गया, घट गया, आकार क्या हो गया, घट गया या छोटा हो गया। जब हम बात करते हैं क्लोरीन के परमाणु की, क्लोरीन के परमाणु में आप जानते हो कि मध्य में क्या होगी, आपकी नाभिक होगी, नाभिक के अंतर्गत आप प्रोटॉन की संख्या देख रहे हो कितनी है, 17 है। तो पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पहले कोष के अंतर्गत हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, दूसरे में कितने होते हैं, 8 और तीसरे में कितने आ जाएंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये तो मैंने बनाई आपकी कौन सी संरचना, क्लोरीन की उदासीन परमाणु की संरचना। जब यदि हम इसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कौन सा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आते ही कौन सा था, सोडियम वाला। इसको आकर्षण बल के लिए कितने प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन आप कितने हो गए, 18। इसका मतलब हुआ कि ये जो कोष था इसके ऊपर जैसी पहले पकड़ थी 7 इलेक्ट्रॉनों पर, वैसी न रह करके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित भी करता है,
शील्डिंग इफेक्ट भी देता है। शील्डिंग इफेक्ट हमने कहा था प्रतिरक्षण प्रभाव, प्रतिरक्षण प्रभाव, तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी करेगा। इसका मतलब कि ये जो कोष था, ये जो अपनी पहले वाली स्थिति से था, उस स्थिति से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और दूर हो जाता है, और दूर, या हम कह सकते हैं बड़ा हो जाता है। बड़ा होना या थोड़ा, परमाणु का कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होना, प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की क्या होगी, संख्या कम हो गई। इसी तुलना के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं कि यदि सी एल से क्या बना, सी एल नेगेटिव बना, तो परमाणु का आकार की बात करते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता है, हम कहते हैं बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ना या घटना। तो आपको हमें ये बात इस प्रकार याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, परमाणु को कोई क्या कर देगा, छोटा कर देगा आकर्षण बल के कारण। यदि हम बात करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन करेगा, हैलोजन परिवार 17 वर्ग वाला, तो वो क्या करेगा, उसमें प्रोटॉन की संख्या कम होगी, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, तो परमाणु का आकार क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो ये थी हमारी सामान्य से जानकारी। इसके अंतर्गत हम बात लिख सकते हैं कौन सी, कि यदि हम देखें कि इन दो पॉइंटों को हम इस प्रकार देखते हैं, पहली कि यदि पहली बात करते हैं, यदि देखने में दिक्कत आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें देखो आप कि यदि परमाणु के मध्य बंध की संख्या बढ़ती है तो परमाणु की त्रिज्या का मान घटता है। ये बात मैंने आपको कार्बन के एग्जाम्पल से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन इन आयन से समझाई थी या बताया था। दूसरी बात करते हैं इसी के अंतर्गत कि हम बात कर लेते हैं कौन सी, कि धनायन का आकार अपने जनक कह सकते हैं, पैतृक कह सकते हैं, जो भी है, जनक परमाणु से बात करते हैं, तो हमने जनक परमाणु कौन सा लिया था, तो हम बात करते हैं उदासीन परमाणु। जनक परमाणु या उदासीन परमाणु से क्या होता है, धनायन का आकार अपने जनक परमाणु या उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। कारण हम लिख सकते हैं क्या, कि छोटा क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का मान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ता है। ये कारण हो गया, क्योंकि प्रोटॉन का मान बढ़ गया इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो इसका मान क्या हो गया, छोटा हो गया। दूसरी बात करते हैं कौन सी, ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु आप समझ गए होंगे, उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। कारण हम लिखेंगे क्योंकि प्रोटॉन की संख्या का मान इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जनक परमाणु से क्या होगा, इसी के आधार पर इस प्रकार होता है। तो धनायन और ऋणायन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें कुछ एक बातें या क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि किसका आकार बड़ा होगा या छोटा होगा धनायन में, तो हम इसके बारे में कुछ और देखते हैं। कैसे, कि हम देखते हैं कि एक हमारे पास सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है। क्या है, सम
इलेक्ट्रोनीय श्रेणियां, सम इलेक्ट्रोनीय श्रेणी का मतलब क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था पीछे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटोनिक बात हुई थी, वहां पे था कि हम बोलते हैं कि सम प्रोटोनिक जिसमें परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या हो समान, सम इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो समान, सम भारिक जिन परमाणु का भार क्या हो बराबर हो सम भारिक, हमने कहा था सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो समान हो, ये हमने कुछ पढ़ा था। इसमें मतलब है कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का मतलब हुआ कि जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का मान क्या है समान है, इलेक्ट्रॉन का मान तो समान है लेकिन हम कहेंगे किसी परमाणु में हम धनायन बनाएंगे या ऋणायन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें क्या रखनी है समान रखनी है, तो इसी आधार पर हम कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, किंतु या परंतु कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु हो ची परंतु हो एक्स्ट्रा हो जो भी, तो किंतु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर हम अलग कोई बात करते हैं, अलग कौन सी बात होगी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो किंतु प्रोटॉन न्यूट्रॉन या द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है अलग अलग होती है, उन्हें क्या बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी या सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कहा जाता है। तो ये बात तो हमारे दिमाग में अब घुस गई है कि सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम बारिक, ये तत्व तो हमारे ध्यान में आ गए कि यदि हमें देखना है क्या है उसमें कि जो बोल रहे हैं उसी को देखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है क्या, बस वो क्या हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक हो गई। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन वाली श्रेणी हम लेते हैं कि जिसमें क्या है दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन वाले हमारे पास होता है भैया कौन सा हीलियम होता है, यदि मैं हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और दे दूँ तो ये क्या हो गया दो इलेक्ट्रॉन वाला हो गया एच माइनस हो गया। यदि मैं बात करूँ कि लिथियम होता है उससे मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूँ बाहर निकाल दूँ, एक इलेक्ट्रॉन क्या निकाल दूँ बाहर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रम एक दो तीन। बेरिलियम की बात करता हूँ बेरिलियम, और यहाँ पे यदि बात करता हूँ बोरोन, बेरिलियम में चार इलेक्ट्रॉन होंगे बोरोन में पाँच हो गए, तो मैं यहाँ पे प्लस दो लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस तीन लगा देता हूँ, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन वाली श्रेणी प्राप्त हो गई। किस प्रकार होगी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दो, इसके अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास हाइड्रोजन की बात करते हैं इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया उसको, इसका मतलब क्या हो गया माइनस। लिथियम की बात करता हूँ तो मैं लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन क्या है प्रोटॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, तो लिथियम के पास बचे कितने दो। बेरिलियम की बात करता हूँ चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, मैंने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो ये क्या बन गया बेरिलियम। और बात करते हैं बोरोन की, यहाँ पे मैंने जो ये क्रम लिखा है इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें से, सबसे छोटा कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी भी परमाणु के अंतर्गत यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई कम होगी, तो इससे बड़ा होगा कौन सा, इस प्रकार इनका क्रम मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या एक, हाइड्रोजन की बात करते हैं इसके पास कितने हो गए दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक प्रोटॉन को कितने प्रोटॉन रखने अब दो रखने, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, हीलियम का आकार है उसी के रूप में रहेगा, लेकिन लिथियम की बात करते हैं तीन इसके पास प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तीन प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, इसका मतलब इसका आकार क्या हो जाएगा छोटा। बेरिलियम की बात करते हैं चार इसके पास क्या है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने रख रहा है दो इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो लिथियम से भी क्या हो जाएगा छोटा, और ये बात आएगी बोरोन की। तो आपको परमाणु आकार के अंतर्गत यदि आपको सीरीज दे दे तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संख्या के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होता है। दूसरी बात हम करते हैं कि हम एक सीरीज और लिखते हैं जिसके अंतर्गत 10 इलेक्ट्रॉन की सीरीज बना रहा हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन की सीरीज के अंतर्गत आप जानते हो कौन सा मिलता है हमें नियोन मिलता है, एक्रिय गैस कौन सी है नियोन। नियोन की बात करता हूँ तो नियोन के साथ यदि मैं क्या जोड़ दूँ फ्लोरीन एफ माइनस, और क्या जोड़ दूँ ऑक्सीजन माइनस की दो, और मैं क्या जोड़ दूँ नाइट्रोजन माइनस की तीन, मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए। नियोन में से बात करते हैं तो नियोन के आगे आता है सोडियम जिसको मैं प्लस कर दूं
और मैग्नीशियम होता है उसको प्लस दो कर दूं और एल्यूमिनियम होता है उसको प्लस दो कर दूं। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 12, 11, 10, ये कितने हो गए, 9, 8 और 7, ये मैंने इनके लिख दिए परमाणु क्रमांक। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं देखता हूँ कि नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या है, प्रोटोन है, मतलब ये तो एक उदासीन परमाणु हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि फ्लोरीन के पास चलते हैं तो इसके पास प्रोटोन की संख्या 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 हो गई कहने का मतलब फ्लोरीन का आकार नियोन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके पास 8 तो प्रोटोन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बढ़ गई, 10 हो गई। तो फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन का आकार और बड़ा हो जाएगा। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 7 तो इसके पास प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन कितने रख रहा है ये, 10 रख रहा है, इसका मतलब इसका आकार और बड़ा हो जाएगा। तो इस आकार के अनुसार हम बात करते हैं तो ये माइनस, या हम कह सकते हैं कि रेनाइन होते हैं, उनका संगत या उदासीन परमाणु से उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसी प्रकार धनाइन की बात करते हैं तो संगत या उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसीलिए हम सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियों को हम परमाणु के आकार के रूप में यदि व्यवस्थित करना चाहें तो आपको इस रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि मैं इनसे कोमा हटा दूं तो इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे बड़ा आकार कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। जब इनकी 4 की बात करता हूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ 1, 2, 3 और 4, इनमें सबसे बड़ा आकार किसका है या सबसे छोटा आकार किसका है। तो इस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आजकल एसएससी की बात करते हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है क्या कि धनाइन बनेगा आकार छोटा होगा, जितना बड़ा धनाइन होगा या जिसके ऊपर आवेश की मात्रा, धनाइन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उतना ही वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यदि हम बात करते हैं ऋणायन बनेगा तो आकार क्या होगा, बड़ा होगा। जितना बड़ा ऋणायन बनेगा, ऋणायन मतलब कि जिसके ऊपर आवेश का मान, ऋणायन में मान बढ़ेगा, तो वो उतना ही क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा परमाणु के अंतर्गत। ये थी आज हमारी, हम बात करे थे आवर्त सारणी के अंतर्गत वर्ग और आवर्त में परमाणु का आकार, परमाणु के आकार की हमने जो बात आज की है उसके अंतर्गत हमने क्रम से एक चीज़ देखा था कि सबसे छोटा आकार आवर्त सारणी के अंतर्गत फ्लोरीन का मिलता है, क्योंकि वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या आती है, कमी आती है। वजह क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जब हम बात करते हैं ऊपर से नीचे या आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं, इसका मतलब हो गया कि उस परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या n या मुख्य कोश का मान क्या होता है, बढ़ता है, अतः परमाणु का आकार भी क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तब उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होगा, तो हम कहेंगे कौन सा होता है, सीजियम होता है। और जब हम बात करते हैं कि सबसे छोटा परमाणु किसका होगा, तो किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। लेकिन इनको यदि हम सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में यदि प्लस माइनस, कहने का मतलब धनायन और ऋणायन बना करके देखते हैं, तब हमें उनके मध्य प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो देखना होगा। यदि प्रोटॉन की मान ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो वो सबसे क्या होगा, मतलब प्रोटॉन का मान ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तुलना में, मतलब वो क्या बनाए, धनायन बनाए, इसका मतलब उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन का मान ज़्यादा किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में, तो हम कहेंगे कि वो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा और उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।